बट हु पनिश्ड यू? यू डिड व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट आई एम नॉट अ गुड वाइफ. बाय. बट हु पनिश्ड यू? यू डिड व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट आई एम नॉट अ गुड वाइफ. बाय. भाई तू चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकता है? चाय पीने के लिए? हाँ, एक बार तो मैं लड़की देखने चला गया था. भाई तू चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकता है? चाय पीने के लिए? हाँ, एक बार तो मैं लड़की देखने चला गया था. So hi guys, certain things have come to my notice this morning, and all said and done, it's not cool. I mean, there are certain profiles जो बहुत ही अपनी limit cross करके औकात से बाहर जाके कुछ घटिया कुछ nasty चीजें लिख रहे हैं हमारे co-actors को, सिमरन को, शाइनी को, और बाकी लोगों को भी बहुत कुछ ऑफ लेट मैसेजेस आ रहे हैं. वेदर यू लाइक समवन और यू डोंट लाइक समवन, देयर इज अ लिमिट टू पुटिंग थिंग्स अक्रॉस. और आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी थ्रेट्स नहीं दे सकते किसी को भी जाके. और ये जो भी प्रोफाइल्स है ना जो ये हरकतें करते हैं, कई बार मुझे भी ऐसे मैसेजेस आते हैं दूसरों के फैन से, बट मैं उन पर ध्यान नहीं देता. बट ये ऑफ लेट ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है और चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं. आप में अगर इतना दम है ना ये सब बकवास अगर आप किसी को लिख सकते हो, तो आप ना अपनी शक्ल दिखाइए, अपना असली नाम लिखिए और खुद का ना जेन्युइन प्रोफाइल बना के ये हरकतें कीजिए. तो कि भाई तुम कौन हो? ये फेसलेस प्रोफाइल बना के शिवी और केडिस फैंस के नाम पे तुम दूसरों को गालियां लिख रहे हो, दूसरों को नैस्टी चीजें बोल रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, इज दिस कूल? यू आर सर्टनली नॉट आवर फैंस. डोंट कॉल योरसेल्फ आवर फैंस, बिकॉज आप चंद टुच्चे और बकवास लोगों के चक्कर में ना पूरे फैन क्लब्स और हमारे पूरे जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और जेन्युइन फैंस हैं ना जो मेहनत करके अपने फैन क्लब चलाते हैं, उनका नाम खराब होता है. और इसकी वजह से ना बहुत नेगेटिविटी फैलती है हमारे आपस में. सो काइंडली स्टॉप डूइंग ऑल दिस शिट. इफ यू डोंट लाइक समवन ना, डोंट फॉलो देम, डोंट राइट थिंग्स ऑन देयर प्रोफाइल. यार व्हाई डू यू हैव टू मेक समवन फील सो लो एंड सो डाउन? व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? डोंट डू इट. You don't like someone, don't follow someone. You don't like me, don't follow me, yaar. Simple as that. Stop attacking our co-actors and our colleagues, yaar. Co-actor, no co-actor. अगर ये पंड्या स्टोर नहीं होता और फिर भी अगर किसी लड़की को ऐसी चीजें लिखी गई होती या बोली गई होती ना, मैं स्टैंड ले रहा होता. Stop doing all this, yaar. Guys, it's not cool, it's not acceptable. साइबर बुलिंग हो या ये थ्रेट्स देना हो या जो भी हो, अपनी असली शक्ल दिखाओ भाई. असली शक्ल दिखाओ, असली थोपड़ा दिखाओ, उतना दम रखो. Y'all are bloody kids who are on social media. Be responsible, man. Be responsible. It's not cool. And you're certainly not our fan, all right? Whoever is doing it. And one more thing. जिससे पहले तुम पकड़े जाओ ना जो भी profiles ये create करके हरकतें कर रहा है, तुम इतने report किए गए हो ना, मैंने खुद भी report कर दिया तुम्हें, तुम इतने report किए गए हो ना कि तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारी band बन जाएगी. जिससे पहले वो हरकत हो ना, तुम reach out करो जिस जिसको तुमने बकवास लिखी है. Own your mistake, apologize for it and get lost from social media. मेरा नाम, Alice का नाम और हमारी शक्लें ना अपने DP पे लगा के ये हरकतें मत करो, because you certainly don't represent us and such people can never represent us. ठीक है?
तो अगर थोड़ी शर्म है, थोड़ी लाज शर्म है, थोड़ी रियलाइजेशन है, तो भाई ओन योर मिस्टेक, अपोलोजाइज एंड लिव योर लाइफ, अदरवाइज यू आर स्क्रूड इफ यू गेट कॉट. सिंपल एज दैट. दिस इज अ सीरियस ऑफेंस. बस करो ये ड्रामा, नहीं चाहिए भाई ये नेगेटिविटी जिंदगी में. ऑलराइट. हेलो, क्या हो गया? आज आप बताइए, आप बताइए, आप क्या हो गया आपको? आपको शर्म आ रही है अपना चेहरा दिखाने के लिए? मैं तो अपना दिखा रही हूँ. आजा बेटा, क्या हो गया? अगर इतना है ना तो तू आजा, बात कर ले. इतना अगर तेरे को प्रॉब्लम है, क्या तेरे को मजा आ रहा है ऐसी गालियां लिखने में? हाँ ठीक है, आप बताइए, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको और आपके वो एक्टर शाइनी दोषी एंड मोहित सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है शिविर के डिसन से. हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि आप लोग, मैं तुझे भेजू क्या क्या भेजते हो तुम लोग मुझे भेजू? और मैंने बहुत ही क्लियरली ये बात बोली है कि नॉट ऑल द फैंस आर एज शिट एज यू, बट यस यू आर. मैं बहुत ही क्लियरली ये बात बोली है कि नॉट ऑल द फैंस आर एज शिट एज यू, बट यस यू आर. मैं बताऊ, सब लोग ये सब गंदगी जो बातें लिखते हैं, तुम में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपना असली चेहरा दिखा के मेरे से बात कर सको. हेलो बच्चू, जाके पहले, आजकल स्कूल नहीं चल रहे हैं ना, तो ये सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर है ना हिम्मत तो सामने आके बात कर, मैं यहाँ पे तेरे मुंह पे खड़ी हूँ. हाँ हाँ ठीक है, यही बोल सकते. आजा आजा, क्या हुआ? यू वॉन्टेड टू टॉक टू मी? नो, कम लाइव एंड टॉक टू मी. ब्लडी आई एम नॉट गोना टेक दिस शिट फ्रॉम एनी पर्सन. आई एम नॉट गोना टेक शिट फ्रॉम एनी ब्लडी पर्सन ओवर हियर और एनीवेयर आउट देयर. गो. ओके, ओके. अरे यार, स्कूल की बच्ची है, देख लो बच्चे बच्चे लोग हैं जिनको देख कैसी गंदगी भरी हुई है दिमाग. बच्चे बच्चे लोग हैं जिनको देख कैसी गंदगी भरी हुई है दिमाग में. क्या भेजा? चूतिया लिख के भेजा ना तूने मुझे? तेरी मम्मी के साथ तुम ऐसी बात करती हो? अपने घर पे ऐसी बात करती हो तुम? फैमिली, हाँ अपनी फैमिली के साथ ऐसी बात करती हो तुम? और बिना किसी को जाने पहचाने आपके नहीं राइट चूतिया? हाउ डे यू राइट दैट? आई एम गोना डू अ साइबर क्राइम ऑन यू ब्रो. यू गोना बी मैड आफ्टर दिस. तू ये पेज बंद कर ले, तेको जो करना है कर ले, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी अभी. क्योंकि यू गाइज डोंट, तुम लोग को ना बात करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं. सिर्फ यही बोल सकती हूँ आप हम शिवी फैंस को कैसे बोल सकती हो? डू यू सी वॉट यू गाइज आर डूइंग? मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ. आपकी हिम्मत कैसे होती है ये सब गंदी गंदी हरकतें और ऐसी गंदी गंदी बातें लिखने की? आपको शर्म नहीं आती है? आपसे उम्र में 10 साल बड़ी होंगी, 15 साल बड़ी होंगी दीदी. आप 10 साल बड़ी होंगी, 15 साल बड़ी होंगी दीदी. आप इनको चूतिया लिख के भेज रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? नो मामी, एक्चुअली है ना, यू शुड डू अ साइबर कंप्लेन यू नो फॉर ऑल दीज पीपल, बिकॉज इनके जब घरों पे इनके पेरेंट्स को जाएंगी ना ये सारी चीजें कि लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो समझ में आएगा. गई गई गई.
आज मैं सेट पे हूँ, आज मैं बहुत अकेला हूँ, आज यहाँ पे कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। देखो हो गया, आज मैं सेट पे हूँ, आज मैं बहुत अकेला हूँ, आज यहाँ पे कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। देखो हो गया, सबकी खबर रखता हूँ। क्या बात है, सबकी खबर रखता हूँ। शादी के बाद इंसान का क्या होता है देखोगे, ये देखो, ये शादीशुदा आदमी बस पूरे टाइम कॉल सेंटर बन के घूम रहे होते हैं, ये लोग, ये नॉन शादीशुदा लोग, ये चिल मार रहे होते हैं मस्त, अपने कपड़े खुद संभाल रहे हैं, जब कोई जिंदगी में आ जाएगा तो कपड़ा पकड़ के चलेगा इसके साथ, और ये मुझ जैसे लौंडे अकेले घूम रहे होते हैं। शादी के बाद इंसान का क्या होता है देखोगे, ये देखो, ये शादीशुदा आदमी बस पूरे टाइम कॉल सेंटर बन के घूम रहे होते हैं, ये लोग, ये नॉन शादीशुदा लोग, ये चिल मार रहे होते हैं मस्त, अपने कपड़े खुद संभाल रहे हैं, जब कोई जिंदगी में आ जाएगा तो कपड़ा पकड़ के चलेगा इसके साथ, और ये मुझ जैसे लौंडे अकेले घूम रहे होते हैं। अरे ऋषि तो भी नासू छे, आ लारो बैठो छे, मारी बेटी छे पिंक कलर नो टोपी पहनी छे। अरे भाई ऋषि तो बहन के पिंक कलर के बच्चे भी है। अरे ऋषि तो भी नासू छे, आ लारो बैठो छे, मारी बेटी छे पिंक कलर नो टोपी पहनी छे। अरे भाई ऋषि तो बहन के पिंक कलर के बच्चे भी है। Already started rehearsing for this, huh? I'll have to tell Divya about this. Divya, iska naam kya hai Akshay? What are you doing Akshay? Vedansh Vidya. Vedansh Vidya. Tumhari shaadi to abhi hui hai. Bolo guys, aalo ma. Already started rehearsing for this, huh? I'll have to tell Divya about this. Divya, iska naam kya hai Akshay? What are you doing Akshay? Vedansh Vidya. Vedansh Vidya. Tumhari shaadi to abhi hui hai. Bolo guys, aalo ma.